6.4.5 अंतःप्रद्रव्यी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दर्शाए गए चित्र को देखें। उसमें झिल्ली युक्त नलिकाओं एवं थैलों का एक बहुत बड़ा जाल है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर यह कहीं खुरदरी तथा कहीं चिकनी दिखाई देती है। चित्र में भी खुरदरी और चिकनी अंतःप्रद्रव्यी जालिका दिखाई दे रही है। खुरदरी अंतःप्रद्रव्यी जालिका पर राइबोसोम नामक कोशिकांग होते हैं जो मुख्य रूप से प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। चिकनी अंतःप्रद्रव्यी जालिका मुख्यतः वसा बनाने में मदद करती है। यहाँ से बने कुछ प्रोटीन और वसा से झिल्लियों का बनना, मरम्मत आदि कार्य होते रहते हैं। किस कोशिकांग के माध्यम से किस पदार्थ को केंद्रक झिल्ली से कोशिका झिल्ली तक पहुँचाया जाता है। 6.4.6 गोल्जीकाय गोल्जी बॉडी। गोल्जीकाय का वर्णन 1898 में कैमिलो गोल्जी ने किया था। यह कई सारी झिल्लियों से मिलकर बना होता है। ये झिल्लियाँ थैलीनुमा रचनाएं बनाती हैं और इनके आसपास कुछ द्रव्य भरी थैलियाँ होती हैं। राइबोसोम पर बने प्रोटीन व अन्य पदार्थ गोल्जीकाय में पहुँचाए जाते हैं। गोल्जीकाय का कार्य पदार्थों के आवागमन से पहले पैकेजिंग करना है। प्रोटीन तथा अन्य पदार्थ थैलीनुमा संरचनाओं से अन्य अंगों तक पहुँचाए जाते हैं। पदार्थों को स्रावित करने वाली कोशिकाओं में इनकी संख्या ज्यादा होती है।